नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सोमवार के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए एक काम। हमारे ज्योतिष शास्त्र और वस्तु शास्त्र में इस सृष्टि में घटने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी घटना का संबंध हमारे जीवन से जोड़कर देखा गया है। उससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें वीडियो को। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को ये 6 चीज़ें कभी भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। तो सुने, ये कार्य ना करें। इस दिन उत्तर पूर्व और अग्नेय में यात्रा नहीं कर सकते। किसी को सफ़ेद वस्त्र या दूध दान में ना दें। इस दिन चीनी त्याग कर दें। मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो तो कुल देवता की पूजा करें। इस दिन माता से किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। कुल देवता का किसी भी प्रकार का अपमान ना करें। इस दिन प्रातः 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहता है। ये तो हो गए सोमवार के दिन ना किए जाने वाले कार्य। अब सुनते हैं सोमवार के दिन क्या करें। चावल चढ़ाएं शिव जी को, लेकिन चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए भक्त को। और भगवान शिव को जो भी चढ़ाएं और बेलपत्र भी चढ़ाएं। सोमवार के दिन क्या खाना चाहिए भक्तों, तो आपको हम बता दें, सोमवार के दिन भुने हुए मखाने, दूध दही, पनीर, मूंगफली, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी भी खा सकते हैं। व्रत में गेहूं, सूजी या आटे का सेवन नहीं करना चाहिए भक्तों। सोमवार को क्या चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ जी को कि जिससे वह प्रसन्न हो सकें। भोलेनाथ जी को शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, दूध, फूल और फल चढ़ाना चाहिए। इस दिन बेलपत्र का विशेष महत्व माना गया है। सफलता की कामना है तो इन्हें प्रति सोमवार चढ़ाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय भक्तों। तो जल्द से जल्द भक्तों, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।